हमारे पास है बीएस कंप्यूटर साइंस का जो कोर्स है, जो इंक्लूडेड है, हम वो करेंगे, ठीक है। जिसमें हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है हमारे पास डिस्टेंस, ना कि आप किसी भी दो पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस किस तरह फाइंड करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास कंसेप्ट है तो आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन कर लेता हूँ, अपने आप से कर लेता हूँ। चलिए मैं देखिए, ये मेरे पास एक पॉइंट है, एक पॉइंट ये है, इसको मैंने ए नाम दिया, ये मेरे पास बी है, ये मेरे पास उसका डिस्टेंस है। अब ए की जो पॉइंट्स है वो क्या है, 2, 1 है फॉर एग्जाम्पल, और 4, 6 कोई भी पॉइंट हो सकती है, ठीक है। अब डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास क्या है, अंडर रूट x2 - x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 इसका होल स्क्वायर, ये मेरे पास डिस्टेंस फार्मूला है, ठीक है। अब इसमें x1 और y1 में ज़्यादातर लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो देखिए ये x1 y1 होगा, ये x2 y2 होगा, ठीक है। इसमें वैल्यू वैल्यू पुट करो अंडर रूट। अच्छा, x2 - x1, x2 4 - 2, तो 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 6 - 1 5 इसका होल स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व कर ले, ये हो जाएगा 4 + 5 = 25, ये हो जाएगा 29 अंडर रूट, इसका आंसर हो गया, ठीक हो गया। तो ज़्यादातर लोगों को पता नहीं कि डिस्टेंस फार्मूला है क्या, तो डिस्टेंस फार्मूला मैंने आपको सिंपल ही बता दिया। अभी देखिए एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन कर लूँगा, चले मैं वो क्वेश्चन करूँगा जो आपको मतलब मुश्किल लगे ना। फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाला लेता हूँ कि चले मैं 4 नंबर पार्ट को देखिए, √2 4 है। अच्छा, एक पॉइंट है √2 और 4, एक पॉइंट है √2 4, दूसरा हमारे पास क्या है 0 और 5, अच्छा 1.5 है, तो यहाँ पर कैलकुलेटर यूज़ होगा, कोई बात नहीं, चले 0 और 1.5, ठीक हो गया। ये ए वाला पॉइंट है, ठीक हो गया। ये हमारे पास दूसरा पॉइंट बी है, ठीक है, ये x1 y1 होगा। यार आप ज़रा शिट यार, अच्छा ये x1 y1 होगा, चले मैं इसको ज़रा, अच्छा ये x1 है, ठीक है। और सिमिलरली ये हमारे पास होगा x2 और y2। अब डिस्टेंस फार्मूला अगर किसी को क्लियर है तो बस वो x2 - x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 इसका होल स्क्वायर, ठीक हो गया। इसमें आप आसानी से वैल्यू पुट कर लें, x2 हमारे पास क्या है, x2 0 - √2, तो √2 इसका, इससे √2 आएगा, प्लस y2 हमारे पास क्या है, देखिए y2 हमारे पास 1.5 - 4, 1.5 - -4, आप इसका होल स्क्वायर, आप कैलकुलेटर से आप इसको सॉल्व कर ले, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना मुश्किल नहीं, अगर आपके पास क्वेश्चन का कंसेप्ट है कि आप इसको किस तरह करेंगे। अब अगर यहाँ पर मैं, चले आगे चलते हैं, देखिए ये डिस्टेंस फार्मूला हो गया, क्योंकि ग्राफ की क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है लेकिन इंक्लूडेड नहीं है, तो बस इसको छोड़ लेते हैं, ठीक है। फाइंड द स्लोप एंड लीनियर परपेंडिकुलर ऑन द लाइन, चले जी, एक होता है पैरेलल, एक होता है परपेंडिकुलर, ठीक हो गया। मैं उसके कंसेप्ट देता हूँ, आप फिर उसकी क्वेश्चन करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। एक होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर देखिए, परपेंडिकुलर में मैं आपको सिंपल इसी तरीका बता देता हूँ कि परपेंडिकुलर में आपने करना क्या होगा। देखिए फॉर एग्जाम्पल आपके पास पैरेलल में स्लोप आ गया 2, ठीक हो गया, ये आपके पास पैरेलल में स्लोप आ गया 2। अब अगर बात हो गई है परपेंडिकुलर की, तो आपने इसका रेसिप्रोकल लेना होगा, 1/2 इसको उलट करके लिखना होगा, और विद नेगेटिव साइन, तो ये क्या हो गया, ये हमारे पास एम हो गया, लेकिन किसके लिए, ये हो गया परपेंडिकुलर के लिए, पैरेलल के लिए यही होगा, पैरेलल के लिए एम हमारे पास क्या होगा, 2 होगा। फॉर एग्जाम्पल चलो 4 आ गया, 4 आ गया। अब अगर मुझसे कोई कहे कि नहीं यार ये तो पैरेलल के लिए है, मेरे लिए परपेंडिकुलर के लिए फाइंड करो, तो मैं क्या करूंगा, इसको 1/4 लिखूंगा विद नेगेटिव साइन, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये हमारे पास किसके लिए है। यार क्या हो गया ऐसे, अच्छा तो मैं ये केस क्या हो गया इसको, अच्छा तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये मेरे पास परपेंडिकुलर के लिए है। अच्छा अब इसके बाद देखिए, मैं ऊपर चला जाता हूँ, चले अब यहाँ से देखिए, फिर अगर जिस तरह की, अब यहाँ पर हमारे पास जो, शिट यार, अच्छा
अब यहाँ पर जो हमारे पास जो क्वेश्चन है ना वो इंतहाई आसान है, ठीक है। आपको देखिए पॉइंट गिवन है, ठीक है, आपसे कहा गया है कि इसके आप स्लोप मालूम करें और साथ में परपेंडिकुलर स्लोप, पैरेलल नहीं मान रहा, परपेंडिकुलर मान रहा है, मांग रहा है। तो देखिए मैं कोई भी पॉइंट अपने आप से ले लूँगा, चले फॉर एग्जांपल ये एक पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक ये दो पॉइंट है, इसका जो ऑर्डर पेयर है वो 2 4 है, अपने आप से ले लेता हूँ, इसका 4 2 है, इस तरह का फॉर एग्जाम्पल है, ठीक है। ये हमारे पास X1 हो गया, ये Y1 हो गया, ये X2 हो गया, ये Y2 हो गया। अब देखिए स्लोप के लिए हमारे पास डेल्टा वाई डिवाइड बाई डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई वाई टू माइनस वाई वन डिवाइड बाई X2 माइनस X1, ठीक हो गया। अब Y2 हमारे के पास क्या है, 2 माइनस 4 डिवाइडेड बाई Y2 माइनस Y1 डिवाइड बाई X2 हमारे पास क्या है, 4 माइनस 2। तो देखिए इससे क्या आएगा, -2 डिवाइड बाई 2, 2 1 2 इसके साथ कट गया, -1 आ गया। अब देखिए मैंने कहा कि आपने इसका रेसिप्रोकल लेना होगा, तो 1 बाई 1 आएगा विद नेगेटिव साइन, तो जब आप इसके साथ माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, इससे हमारे पास 1 आएगा। तो ये 1 क्या है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस विद द लाइन आर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर किया, हमारे पास 1 आ गया। अब इसके अलावा अगर मैं एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन उठा लूँ, तो देखिए क्वेश्चन मैंने आपको बताया, फॉर एग्जाम्पल मैं कर लेता हूँ, चले -1 2 -2 -1, चले मैं इसको कर लेता हूँ, चले -1 2 -1 2, और साथ में दूसरा क्या है, -2 -1, चले -2 और -2 -1, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना होगा, देखिए ये पॉइंट है, दूसरा पॉइंट ये है, ये ए है, ये हमारे पास बी है। अब देखिए सिंपली मांग रहा है क्या, स्लोप मांग रहा है, स्लोप हमारे पास क्या है, y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1, ये हमारे पास x1, ये y1 हो गया, ये x2, ये y2 हो गया। इसमें वैल्यू पुट करो, वैल्यू किस तरह पुट करेंगे, देखिए y2 - y1 -1 - 2, तो -2 - प्लस हो जाएगा, -1 + 2 क्या आएगा, -1 + 2, ठीक हो गया। अच्छा x2 - 2 है, x2 माइनस, और ये x1 है, तो -2 - +1 हो जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे, अब प्लस इंटू माइनस माइनस करेंगे लेकिन निशान बड़े का लगेगा, ठीक हो गया। प्लस इंटू माइनस माइनस करेंगे लेकिन निशान बड़े का लगेगा, -1, ठीक हो गया। तो -1 आ गया, क्योंकि ये हमारे पास, इसका भी हमारे पास -1 आ गया। ये हमारे पास कौन सा डिस्टेंस है, ये हमारे पास पैरेलल है, अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर, इसको मैं उल्टा करूँगा, ठीक हो गया, विद नेगेटिव साइन। जब मैं इसके साथ नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई करूँगा तो ये और ये कट जाएगा, तो इसे हमारे पास 1 आंसर आएगा। तो देखिए क्वेश्चन करना मुश्किल